नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज से हम लोग का पर डे एक डेली मैथ का वीडियो 5:30 में अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जॉस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका ये पार्ट वन है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ ट्रिक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपका पर डे आपका ये वीडियो अपलोड होते रहेगा। ऐसे ही आपको 4 से 5 वीडियो में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कम्प्लीट हो जाने वाला है, जिसमें हम लोग ट्रिक्स के साथ साथ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आने वाला भी जितने भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी बैंक पीओ रेलवे, वो सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो मैथ्स सोल्व करने में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट इसमें 2 पॉइंट आता है, एक होता है अनुपात, जैसा कि इसका नाम है अनुपात, और समानुपात। फर्स्ट आता है अनुपात। तो अनुपात का साइन क्या होता है? अनुपात का साइन ये होता है, ठीक है। इसका सेंस हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? तो इसका सेंस होता है डिवाइड के सेंस में हम लोग लगभग यूज करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपको अनुपात ये वाला साइन दे दिया जाए तो उसका किस सेंस में हम लोग यूज करेंगे? डिवाइड के सेंस में यूज करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आता है समानुपात, मतलब कि प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या होता है साइन? तो ये होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? तो प्रोपोर्शन को हम लोग यूज करते हैं इक्वल के सेंस में, मतलब इज इक्वल टू के सेंस में। इसके भी क्या होता है? लगभग में होता है। इस सारे को आपको माइंड में रखने हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए हम लोग अनुपात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में ए इजकल टू 20, बी इजकल टू 30। तो ए रेशियो बी, अनुपात का क्या होता है? रेशियो होता है। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा आपका? 20:30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग, मैंने आपको पहले ही क्या बताया है अनुपात को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? तो डिवाइड के सेंस में यूज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20/30 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब डिवाइड के सेंस में ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि हम लोग आपको पहले ही बताया कि डिवाइड के रेशियो के सेंस में डिवाइड यूज करते हैं, तो डिवाइड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2:3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आते हैं। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इजकल टू 20, और फिर सेकेंड बी इजकल टू 30। फिर लेकिन हम इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या आता है? ए का वैल्यू आता है 2, और बी का वैल्यू क्या होता है? बी का वैल्यू आता है 3। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम लोग किस चीज़ को क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको a इजकल टू 20 और b इजकल टू 30 क्या मिल रहा है क्वेश्चन में जो कि दिया गया है? तो इसको हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक मान, यानी कि क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोला जाता है। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे? आनुपातिक मान, यानी कि क्या हो जाएगा? रेशियो वैल्यू इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए रेशियो का मेन सेंस क्या होता है? रेशियो का मेन सेंस होता है क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, जैसे कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 2 संख्या, जैसे क्या है? सरलतम रूप में, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना। क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना, इसका मेन आपका इसका डिफिनेशन हो गया अनुपात का। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अनुपातिक मान, मतलब कि रेशियो वैल्यू, किसी भी चीज़ का रेशियो वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आपको लाइन बाई लाइन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको दे दिया जाए ए रेशियो बी इजकल टू 2:3, ठीक है। तो इस सेंस में क्या होता है? ए का वैल्यू हो जाएगा आपका बी, 2 हो जाएगा, और बी का वैल्यू हो जाएगा 3। ये मैं क्या है? मैच कर लेना है फर्स्ट का फर्स्ट में और सेकेंड का सेकेंड में, अगर इसे इस तरह इस फॉर्म में दिया रहे तो। चलिए और फिर सेकेंड फॉर्म में आता है, जैसा कि मैंने पहले बताया डिवाइड फॉर्म में। जैसे ए बाई बी इजकल टू अगर आपको दे दिया जाए 2/3 दे दिया, तो इस सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? ए का वैल्यू बी 2 यूज करेंगे, और फिर बी का वैल्यू 3 हम लोग यूज करेंगे। चलिए और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में आपको क्या है? अगर ए बाई 2 दे दिया रहे, या फिर देखिए मैं एक ही पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। a बाई 2 रहे और फिर b बाई 3 रहे, अगर इस फॉर्म में आपको रहे तो इसका जो नीचे वाला होता है वही उसका वैल्यू होता है, मतलब कि a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में अगर आपको जैसे आपको दे दिया जाए चेंज करके 3a इजकल टू 2b, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि रेशियो का मेन सेंस क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए के डिवाइड में क्या है, यहाँ पे टू के चीज में मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता होगा टू मल्टीप्लाई में होता है, दूसरी तरफ आकर के क्या होता है डिवाइड में चेंज होता है। तो यानी कि ए के डिवाइड में कौन सा आ रहा है, टू आ रहा है, बी के डिवाइड में कौन आएगा उसी सेंस में हम लोग यूज करेंगे तो थ्री आ रहा है, उसी के सेंस में यहाँ पे ए के डिवाइड में कौन है, टू है, बी के डिवाइड में थ्री, यानी कि ए का वैल्यू टू हो गया, बी का वैल्यू थ्री हो गया। चलिए फिर हम लोग का फिफ्थ आता है। अगर फिफ्थ में आपको इस टाइप में मिले, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए इजकल टू टू बाई थ्री इंटू बी दिया रहा है, तो मैंने पहले ही बताया ए के यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, तो यहाँ पे तो ये जो थ्री दिया हुआ है क्या है बी के डिवाइड में आ रहा है कि नहीं, तो बी का वैल्यू थ्री हो जाएगा। और ए के डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे टू के चीज में मल्टीप्लाई में बी के, मतलब कि टू इधर आएगा तो ए के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बस यही सेंस में दिमाग रखना है कि रेशियो मतलब डिवाइड के सेंस में होना चाहिए। चलिए और फिर सिक्स टाइप में देखते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए ए बाई टू इजकल टू बी बाई थ्री इजकल टू सी बाई फोर अगर दे दिया जाए, तो इसमें भी क्या करना है डिवाइड आपको सिर्फ ढूंढने की कोशिश करना है। तो ए के डिवाइड में क्या है, तो टू है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बी के डिवाइड में क्या है, थ्री है, तो बी का वैल्यू थ्री हो जाएगा। सी के डिवाइड में क्या है, फोर है, तो यानी कि सी का वैल्यू फोर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का, इसमें टाइप नंबर हम लोग सेवन देखते हैं। सेवन में जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए टू ए इजकल टू थ्री बी इजकल टू क्या, फोर सी, इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे हम लोग इसका रेशियो ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे क्या बताया, पहले इसको डिवाइड का फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए टू क्या है, यहाँ पे टू ए है, तो टू के साथ क्या है ए मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ पे टू तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो थ्री बी यहाँ पे दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई थ्री है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ फोर भी क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लोग सिर्फ डिवाइड में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं इसका, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में कौन करना, ए के डिवाइड में कौन करना आएगा, तो थ्री और फोर आएगा, मतलब कि थ्री और फोर नीचे आगे क्या होगा, थ्री और फोर डिवाइड में आएगा, मतलब कि दोनों तो मल्टीप्लाई ही ना होगा नीचे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो का डिवाइड, ए के डिवाइड में कौन आएगा, थ्री और फोर आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो आएगा ही, रेशियो का रेशियो हो जाएगा। बी का वैल्यू आ रहा है तो थ्री को छोड़ देंगे, टू और फोर के ले लेंगे, मतलब कि टू इंटू फोर हो जाएगा। अब देखिए सी का आता है, सी का क्या करेंगे, फोर को छोड़ देंगे, बाकी को दोनों को ले लेंगे, तो टू इंटू थ्री हम लोग का आ जाता है। तो अब देखिए इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तीन चौका बारह हो जाएगा आपका, फोर टू जा एट हो जाएगा, और फिर थ्री टू जा सिक्स आपका रेशियो हो जाएगा। अब देखिए इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, इसको क्या है सब में क्या कॉमन है, टू आ रहा है, मतलब टू सब में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा इसका, फोर हो जाएगा और थ्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि रेशियो फॉर्म हो जाएगा। चलिए फिर इसका हम लोग टाइप एट देखते हैं, एट टाइप कैसा है। देखिए यहाँ पे अगर दिया रहा है इसे टू ए इजकल टू, वही जो सेवन नंबर बताया गया उसका थोड़ा हार्ड लेवल का है, दिख रहा है आपको अच्छे से, टू ए इजकल टू थ्री बी इजकल टू फोर सी इजकल टू फाइव डी दिया रहता है, इसको हम लोग कैसे रेशियो निकालेंगे, तो मैं तो डिटेल में आपको ऑलरेडी बता दिया है, डायरेक्ट इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, जो इसके साथ है उसको छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो एक ए का रेशियो क्या हो जाएगा, टू को छोड़ देंगे तो थ्री इंटू फोर इंटू फाइव हो जाएगा। वहीं बी का रेशियो, तो बी में थ्री को छोड़ देंगे बाकी सबको ले लेंगे, टू इंटू फोर इंटू फाइव हो जाएगा। वहीं आता है आप सी का, तो सी में क्या करना है, फोर को छोड़ देंगे बाकी सबको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू फाइव हम लोग का ये रेशियो हो जाएगा सी का। फिर डी में क्या करना है, फाइव को छोड़ देना बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो टू इंटू थ्री इंटू फोर हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाँच चौका बीस, तिरका कितना हो जाएगा साठ हो जा रहा है। अब देखिए पाँच चौका बीस दोना चालीस हो जा रहा है, पाँच तीया पंद्रह दोना तीस हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए चार तीया बारह दोना चौबीस यहाँ पे हो जा रहा है। अब ये भी क्या होगा, यह भी आपका शॉर्ट फॉर्म इसका आएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में ये किससे कटने वाला है आप अच्छे से देख सकते हैं कच्चे से, यहाँ पर भी आपका टू टू से कट जाएगा, तो थर्टी का टू से कट करेंगे तो थर्टी सिक्सटी का थर्टी हो जाएगा, फोर्टी का ट्वेंटी हो जाएगा, थर्टी का फिफ्टीन हो जाएगा, ट्वेंटी फोर का ट्वेल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब तक तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, मतलब क्या है नहीं आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया, यानी कि क्या हो गया यही आपका रेशियो वैल्यू आ गया, ठीक है। अब चलिए एक और इसमें न्यू टाइप हम लोग जानते हैं, आपको अगर ये बोर लग रहा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या वो आपके अभी फिलहाल में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, इसके बाद आपको ट्रिक भी मिलने वाले हैं ट्रिक से, इसीलिए मैं सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आपको
ट्रिक भी कामयाब होगा। इसलिए सिर्फ ट्रिक रट लेने से कुछ नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए अब 9th नंबर इसमें देखते हैं, टाइप नंबर 9 अगर दे दिया जाए, जैसे कि 2/3 ए इजकल टू 3/4 बी इजकल टू 5/7 सी दे दिया जाए, तो इसको अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू, यहाँ पे आपको निकालने हैं। तब देखिए यहाँ पे बीच में इज इक्वल है, इज इक्वल रहे तो इधर कहीं पर भी देखने का जरूरत ही नहीं है, बस इसके डिवाइड में क्या है उसी को सिर्फ लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसके सॉरी 2/3 क्या है मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। यहाँ पे अब अगर दे दिया जाए 1/2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, एक मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड में क्या करेंगे तो ए बाई टू टू बाई वन लिखेंगे, तभी तो यहाँ पे सेंस में आएगा ना कि ए इंटू 1/2, समझ लेना आपको, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका डिवाइड क्या हो जाएगा, ए का डिवाइड में क्या आ जा रहा है 2/3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए उसी के हिसाब से बी से 3/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे 5/7 क्या है मल्टीप्लाई में, तो सी का क्या हो जाएगा इसको डिवाइड में करेंगे तो 7/5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो बी रेशियो सी के सी क्या आ जाएगा 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 7/5, यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी कि रेशियो वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 था, जिसका पार्ट 2 मैं कल 5:30 बजे शाम को अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आई होप आप ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल SSC Jobs को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।